यारो मैं रमन बोले खेलो कूदो यारो सारी जिंदगी तो सिर्फ एक ड्रामा चिल चिल पीरु पी लेंगे यारो मस्ती मस्ती करके तारू मारो यारो मैं रमन बोले खेलो कूदो यारो सारी जिंदगी तो सिर्फ एक ड्रामा छोटी सी ये जिंदगी फिर ना वापस आएगी छोटी सी ये जिंदगी फिर ना वापस आएगी Struggle, no matter what happens. No matter what happens. Leave the past in the past. Start a new day with a smile. एसआई, ये क्या हमें एप्लीकेशन मिल नहीं रही है? तुम एक काम करो, जल्दी से देखकर मुझे मेल करो। काम कर देंगे तो हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि ये लोग ऑफिस में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो आप सही सोच रहे हैं। हाँ, पर इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो क्या है ये सोच रहे हैं ना, तो देर किस बात की। आइए मैटर क्या है खुद देख लेते हैं। यस, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड सर। बेल्डन बॉयज, गुड जॉब। इस शुभ मौके पर तुम सबको एक गुड न्यूज देनी है। इस कंपनी के लिए जो मेहनत कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को जिसने पूरा किया है उसका नाम बताना चाहता हूँ। और इतना ही नहीं, उसे एचआर की पोस्ट भी दे रहा हूँ। वो और कोई नहीं, हमारा अभी है। कांग्रेट्स अभी। कांग्रेट्स अभी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच जी। क्या जिंदगी है, ये पोस्ट उसे मिल गई। थैंक यू, कांग्रेट्स। ओके गाइस, अगले प्रोजेक्ट के लिए मैंने तुम्हें डिटेल्स भेज दिया है, जल्दी से वर्क स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट सर। ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? हम सभी लोगों ने दिन रात मेहनत करके 3 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है, अभी फिर से दूसरा प्रोजेक्ट दे रहे हैं। ये कैसी जिंदगी है सर, इसे देखिए सर। 3 महीने से ठीक से इसने दाढ़ी भी नहीं बनाई है। और तो और, इतनी बड़ी दाढ़ी रखकर यह लड़की देखने गया तो लड़की ने भी रिजेक्ट कर दिया। क्या जिंदगी है सर। असल में सॉफ्टवेयर का मतलब एक रेंज होगा, ऐसा एक्सेप्ट करके शान से पैरों में पैर रखकर एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा सोचकर हमने बहुत मेहनत करके इंजीनियरिंग पूरी की है सर, और यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है। और आप प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, ऊपर से ये आपकी डेडलाइन। हमसे नहीं होगा सर। और तो और, उम्र भी बढ़ती जा रही है सर, ऊपर से बाल भी झड़ते जा रहे हैं, और हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ शादी करने के लिए लड़कियां भी नहीं मिल रही है सर। अब हमसे नहीं हो पाएगा ऐसी जिंदगी जीना। हाँ, तो अभी क्या करना है? वी नीड ए ब्रेक। ब्रेक, ब्रेक। हेलो। क्यों चिढ़ रहा है? अगर उसने हम सबको नौकरी से निकाल दिया तो? सच में निकाल देगा क्या? क्या पता। हाँ, तुम कुछ कह रहे थे। वो क्या है सर, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद हमें 20 दिन की छुट्टी चाहिए। या ओके, अभी तुम छुट्टी ले लो, छुट्टी खत्म होने के बाद अगला प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सर। अरे यार, क्या बात है भाई, मजे करेंगे। इतनी ओवर एक्टिंग मत कर, सच में इतना काम किया क्या? लास्ट वीक अपनी कॉलेज वाले संध्या के साथ मस्त डांस कर रहा था पब में। इसने देख लिया क्या? अच्छा, तो तुम कौन सा कम हो? संध्या ने अगर हाँ किया तो तुम दूसरी शादी कर लोगे कह रहे थे ना। इस मैटर के बारे में इसे कैसे पता? ए, ऐसा कुछ भी नहीं है बे, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था यार। वैसे अपनी बीबी के बारे में क्यों नहीं बताया? अभी उसकी क्या जरूरत है, 20 डेज का ट्रिप है, यही कह रहे थे ना। ज्यादा कुछ नहीं ब्रो, बस केरला जाके थोड़ा रिलैक्स करने का प्लान किया है। केरला में बॉडी मसाज अच्छा होता है ना, थोड़ा स्ट्रेस से रिलैक्स मिलेगा ना। हाँ ब्रो, चाहो तो तुम भी हमारे साथ आ सकते। नहीं भाई, मैंने तिरुपति जाने की मन्नत मांगी है और अपनी मन्नत पूरी करनी है मुझे। सर, ये पैसे मेरी तरफ से दान कर दीजिएगा प्लीज। ओके भाई, लोग चलता हूँ, फिर मिलते हैं। बाय बाय। केरला क्यों कह रहे थे? हमने तो गोवा का प्लान किया था ना। प्लान में चेंज किया है क्या? अरे नहीं यार, उसे बेवकूफ बनाया मैंने। देख रहे हो ना, इन्होंने इतनी मेहनत इस कंपनी के प्रगति के लिए नहीं की है,
अपने एंजॉय के लिए की है। 20 डेज के हॉलीडेज में ये क्या भूल खिलाएंगे और इस कहानी में कैसे मोड़ आएंगे, आइए देखते हैं। यहीं पे तो आने वाला था, अभी तक आया क्यों नहीं यार? और कितनी देर वेट करना होगा यार, जो टाइम पे नहीं आ सकता उससे दोस्ती कैसे कर ली तूने? कह रहा था कि निकल गया यार। उसे हिंदी आती है क्या? वो हमारी बातें तो समझ लेता है, लेकिन हमें उसकी बात नहीं समझ आने वाली, वो इंग्लिश मैन है। ओ। रास्ते में ही होगा यार। आ गया क्या? हाँ आ गया। यही है क्या? हाय ब्रो। हे हाय हाय, वेलकम टू गोवा, आई लव मिया मालकोवा। थैंक्स। हाय हाय हाय। कम, चल यार चलते हैं। जब सभी हिंदी में बात कर रहे हैं तो तुम इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हो? आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। मुझे ये कार पसंद नहीं आई, कोई दूसरी नहीं थी क्या? आई हैव ओनली वन कार, मेड इन माडगोवा। मेरे पापा के पास मिनिमम 3 कारें हैं, पता है तुमको? ओ, यू आर रिच, लाइक रिच। ऐसा नहीं है, इसके पिता मैकेनिक हैं, रिपेयर होने के बाद पैसे के साथ गाली देकर जाते हैं। ओह गॉड, दैट क्रेजी पार्लेची। क्या यार, हमेशा मेरी पोल खोल देता है। क्यों बे, हमारे ही सामने अपनी बड़ाई कर रहा है और वो भी गोवा में। बाहर की दुनिया को मेरे बारे में पता नहीं, एटलीस्ट हमें तो बोलना ही चाहिए ना। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? टू आर एकोमोडेशन विद माय रिकमेंडेशन। हाँ, पहले बार ले चलो, उसके बाद लॉज लेके चलना। अरे इतने सुबह सुबह बार जाएंगे क्या? गोवा में बियर 50 रुपए की है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। बियर पी के पेट को बाहर लाना है मुझे। ओह माय गॉड, तू बियर होटल में पी लेना यार। आमिर, बीच की तरफ चलना यार। See this beach. Wow, beautiful view. Yeah, cool, natural water. ऐसी जगह पे एक साल तो बिताना ही चाहिए। तेरे पिता को मैकेनिक शेड बेचना पड़ेगा। मेरा रेस्ट ऑफ लाइफ पूरा यहीं पे रहने का प्लान करना है। तुम्हारे पिता के पास जो इकलौता घर है ना, उसे बेचने का प्लान कर। पर्सनालिटी के हिसाब से तुझे पंच नहीं मारना चाहिए। पंच और पर्सनालिटी का क्या संबंध है? पंच उसे मारना चाहिए जो पंच को सह सकता है। ठीक है, पर इस सुंदर लोकेशन को देखने के बाद मुझे अर्जेंटली बाथरूम आ रहा है, 2 मिनट में जाकर आता हूँ यार। तू अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से केटी का एग्जाम दे रहा है। पढ़ते समय बुक सामने रखकर पढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम में बुक सामने नहीं रखने देते हैं। अब तुम ही बताओ मैं केटी कैसे क्लियर करूं? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू बिकम फ्रेंड ऑफ देम। हमने कम दिमाग वालों से फ्रेंडशिप की है ना, काफी दिनों तक झेलना पड़ेगा। अरे मुझे सुसु आ रही है यार। ए, सुसु के लिए भी कोई पूछता है क्या? जाके कर लेना कहीं। तेरी तो। Let's go, Fox. I'm hangry. Otherwise, I get angry. Then eat jangry. Super English punch. बहुत घूम लिया यार, चलो अब चलते हैं। ऐसे तो मेरे पास बहुत है भाई, पूरा गोदाम भरा हुआ है। यार तू बार बार फोन क्यों कर रहा है? तुझे बोला ना कॉल करता हूँ मैं, अभी तो आया हूँ गोवा। एक मिनट रुक, मैं बाद में फोन करता हूँ। हे, लगेज थोड़ा संभाल के रखना। ये कमीने यहाँ क्यों आए हैं? केरला जाने वाले थे ना, इन कमीनों से मुझे बच के रहना पड़ेगा। हाँ ले यार, ये बैग भी ले लेता हूँ। चल ले चल। बाप रे, इनसे बच के निकलना पड़ेगा। हे बॉय, टेक द बैग। लगता है इन्होंने मुझे नौकर समझ लिया है। हाय हाय, हमें अर्जेंट एक रूम चाहिए। सॉरी, ऑलरेडी वन पर्सन इज वेटिंग। इस लड़की को हिंदी आती है क्या? यहाँ पे बहुत ज्यादा हिंदी वाले आते हैं ना, इसीलिए होटल वालों ने हिंदी बोलने वाली लड़कियाँ रखी हैं। मुझे हिंदी आती है। ओ, ऐसा क्या? हे, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। थैंक यू। रूम प्लीज। आपसे पहले वो आए हैं। ओह, उसे कैच पकड़ना ही नहीं आता, तुम उसे इतना सीरियस क्यों ले रही हो? हमें रूम की इमरजेंसी है। क्या है आपकी इमरजेंसी? इसे अर्जेंटली बाथरूम जाना है, ऊपर से ये शुगर का पेशेंट है, अगर ये बाथरूम नहीं गया तो इसकी दोनों किडनियां फेल हो जाएंगी। ये कभी कभी पागलों की तरह बात करता है, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। हाउ मेनी रूम्स यू वांट? रूम बाद में, पहले बियर चाहिए। बियर मिलेगी क्या?
इंडिया जब मैच हार जाती है तो पूरा देश रोता है। बेचारी अनुष्का भी अपने हस्बैंड का मैच देखने नहीं आती है और तू है कि पगलट। सर योर रूम की ऊपर। सर मैं बाद में मिलता हूँ। ओके ओके। गोवा है इसलिए बच गए। अगर मेरा गांव होता ना तो इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचता। सच में? हाँ सच में। मेरे गांव में सब मुझसे डरते हैं। मेरी माँ कहती है इंसानों को मारना पाप है, इसलिए इन लोगों को छोड़ दिया। ओके सर, ये लीजिए आपकी रूम की चाबी। बाय बाय।